एक्चुअली आज फिशिंग करने का ही मन है, फिशरीज और एक्वा कल्चर को बढ़ावा देने पर जोर की बात करी जा रही है, जो आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे, और इसका प्राइम बेनिफिशियरी जो कंपनी होगी आज वो रेडार पर है, अवंती फीड्स, जो बीएसई स्क्रिप्ट कोड है, एनएसई सिंबल है स्टॉक का, वो आप लोग की स्क्रीन्स पर आएगा, 770 साल के हाई से, और वहां से ऑलमोस्ट 50% ये स्टॉक करेक्ट होके कामकाज कर रहा है, और इस स्टॉक ने वैसे ध्यान रखें 950,000 तक के स्तर देखे हुए हैं, इस तरह का तगड़ा करेक्शन अवंती फीड्स के स्टॉक में आ जाए। दोस्तों अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। डोमिनेंट प्लेयर है जो भारत का एक्वा कल्चर सेक्टर है, वहां पर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है श्रिम्प फीड का इस देश में। इस कंपनी के पास 5 श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 2 श्रिम्प प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, और बहुत स्ट्रांग और लॉन्ग टर्म टेक्निकल और फाइनेंशियल कोलैबोरेशन है इस कंपनी का थाईलैंड की थाई यूनियन ग्रुप के साथ। और ये थाई यूनियन ग्रुप है, ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल सी फूड कंपनी है। श्रिम्प फीड जो बनाती है कंपनी भारत और बांग्लादेश में खपत की जाती है, उसकी प्रोसेस श्रिम्प जो बनाती है वो एक्सपोर्ट्स करे जाती है यूएसए, यूरोप, जापान, कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट जैसे तमाम मार्केट्स में। प्रमोटर्स का 44% स्टेक है, और जिस थाई यूनियन ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ 24% से ज्यादा स्टेक वो इस कंपनी में ओन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, एफआईआई के तौर पे पाइन ब्रिज ग्लोबल, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसे तमाम नाम जो है सिग्निफिकेंट चंक्स इस कंपनी के ओन करते हैं। ओवर द इयर्स ये कंपनी एकदम हैज स्टेड ऑन कोर्स और बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला है। आप लोग की स्क्रीन पे फाइनेंशियल्स आएंगे, रेवेन्यूज हर साल देखिए किस तरह का उछाल रेवेन्यूज में है। 23% का CAGR है, सालाना दर से आय बढ़ रही है। पिछले साल समर थोड़ा प्रोलॉन्ग था, कुछ डिसीजंस के अकरेंस हुए थे जिसके चलते श्रिम्प कल्चर जो इस देश में था वो डिक्लाइन हुआ था, तो श्रिम्प फीड की डिमांड कम हुई थी और इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे थे, तो इस कंपनी की ईबीटा और प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ इंपैक्ट देखने को मिला था, रिटर्न रेशियो इसलिए स्क्वीज हुए थे। ये कंपनी 76% के ROCE, 49% के ROEs एंजॉय करती है। पिछले साल ये कॉन्ट्रैक्शन जरूर देखने को मिला था, फिर भी रिटर्न रेशियोज बेहद स्ट्रांग है। और जब मैं स्लो डाउन की बात कर रहा हूं, उस समय इस कंपनी का मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा था, 43% से बढ़कर 47% का इस अकेली कंपनी के पास श्रिम्प फीड बाजार का पूरा मार्केट शेयर है। इस तरह के तगड़े फाइनेंशियल हैं, और अब तो हालात वापस सुधर रहे हैं। इस महीने के इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने के फाइनेंशियल आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, आए 18% और वापस प्रॉफिट्स में 25% का उछाल है, तो यानी कि रिटर्न रेशियोज अब वापस इंप्रूव होना शुरू हो चुके हैं। और आजकल मैं फोकस करता हूं अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनीज पे, 19 करोड़ का कैश, 125 करोड़ रुपए बैंक में, और करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं 822 करोड़ रुपए के, और कोई डेट नहीं है इस कंपनी के ऊपर। रडार पे रखें ऐसी गजब फंडामेंटल्स अच्छा। वाली कंपनीज को। दोस्तों अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग।